नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं स्टार हेल्थ के एश्योर प्लान के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि इस प्लान के अंदर क्या क्या है स्पेशल बेनिफिट्स और साथ में समझेंगे इस प्लान की प्राइस लिस्ट को भी। जी हाँ, चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और समझते हैं क्या है इस प्लान के स्पेशल बेनिफिट्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। अब आप मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए जहाँ पे हमने स्टार हेल्थ एश्योर इंश्योरेंस पॉलिसी का वन पेजर खोल रखा है। ये एक स्टार हेल्थ का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसका लिंक मैं आपको डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इस ब्रोशर को डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को भेज सकते हैं। और अगर आप कस्टमर हैं तो आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं। इस पॉलिसी की, इस ब्रोशर के अंदर आपको कंप्लीट क्राइटेरिया मिल जाएगा कि कौन कौन एलिजिबल है लेने के लिए, क्या इसके अंदर कंडीशंस हैं, क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं, किस किस चीज़ पर कैपिंग है, सारी डिटेल्स इसके अंदर मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अबाउट द पॉलिसी, ये एक हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कवर करने के लिए एक पॉलिसी है। टाइप ऑफ कवर इंडिविजुअल और फ्लोटर दोनों ही पॉलिसी है। ये बात करें एंट्री एज की, अगर इंडिविजुअल कोई पर्सन पॉलिसी ले रहा है तो उसकी मिनिमम एंट्री जो एज है 18 साल है। 18 साल से कम उम्र का कोई पर्सन है तो वो इस पॉलिसी को नहीं ले सकता है, 18 से 75 साल। वहीं पर इंडिविजुअल के साथ कोई डिपेंडेंट पर्सन बच्चा है तो उसकी एज 91 डेज से 18 ईयर्स तक के बच्चे को हम ले सकते हैं इस पॉलिसी के अंदर। फ्लोटर के अंदर 18 टू 75 ईयर्स सेम है, डिपेंडेंट चाइल्ड 16 डेज टू 18 ईयर्स रहेगा। मतलब आप इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों ही ले सकते हैं इस प्लान के अंदर। फैमिली साइज की बात करी जाए कि कौन कौन, मतलब कितनी बड़ी फैमिली ले सकती है इसके अंदर, तो इस पॉलिसी के अंदर एक स्पेशल फीचर डाला गया है कि आप 2 एडल्ट हैं, आपके साथ में 3 बच्चे हैं और साथ में आप अपने पेरेंट्स को, मतलब आपके जो पेरेंट्स इन लॉ हैं और आपके डायरेक्ट पेरेंट्स हैं उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब 6 एडल्ट्स के साथ में 3 बच्चों को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। अब बात करते हैं मिड टर्म इंक्लूजन की। मिड टर्म इंक्लूजन होता है कि पॉलिसी के दौरान, पॉलिसी चल रही है उसके बीच में अगर आपको किसी को इंक्लूड कराना है पॉलिसी को, पॉलिसी के अंदर, तो आप किसको करा सकते हैं? पहला अगर आपकी शादी हुई है, न्यूली वेडेड स्पाउस है तो उसको करा सकते हैं। बच्चा हुआ है पॉलिसी के लेने के बाद उसको करा सकते हैं। लीगली अडॉप्ट किया है बच्चे को तो उसको करा सकते हैं। बट इन तीनों केसेस के अंदर आपको विद इन 45 डेज कंपनी को इंटीमेट करना होगा कि इनको हमको ऐड करना है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। इस पॉलिसी के अंदर 3 कैटेगरी बनाई गई है, तीनों कैटेगरी सिटी वाइज बनाई गई है। जैसे जोन ए पढ़ेंगे अगर हम, जोन ए के अंदर आता है दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, ये पूरी लिस्ट है। जोन बी, इसका थोड़ा सा प्राइस जो होगा वो कम होगा कंपैरिजन टू जोन ए, जो जिसमें आता है पुणे, नासिक, त्रिवेंद्रम, एर्नाकुलम, चेन्नई, इस तरीके से। और जोन सी रेस्ट ऑफ इंडिया, इन सिटीज को छोड़कर जो सिटीज बसती हैं, जो एरिया बसते हैं और जोन सी में आता है, उनका जो प्रीमियम होगा कंपैरिजन टू ए और बी बहुत कम होता है। उसकी भी हम डिटेल में आप डिस्कशन करेंगे जब हम आगे पॉलिसी को पढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे और प्रीमियम को समझेंगे। को पेमेंट, अगर किसी को आप पॉलिसी दे रहे हैं जिनकी एज 61 से अबव है, 61 है या 61 से अबव है, तो उस केस के अंदर में उनको जो पॉलिसी देंगे उनका अगर कोई क्लेम आता है तो उस केस के अंदर 10% की को पेमेंट देनी पड़ती है। इस पॉलिसी के अंदर रिन्यूअल जो है लाइफ लॉन्ग है। मतलब आपने पॉलिसी ले ली है 50 साल की उम्र में, आप चाहते हैं जब तक आपकी लाइफ है जब तक आप उसको रिन्यू करना चाहते हैं जब तक रिन्यू कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म इसके अंदर 3 ऑप्शंस हैं, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। 1 साल की पॉलिसी लेने जाते हैं तो 1 साल की लीजिए, 2 साल की और 3 साल की इकट्ठा लेने जाते हैं तो इकट्ठा भी ले सकते हैं। 2 साल और 3 साल लेने पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 2 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 10% डिस्काउंट ऑन सेकंड ईयर, जो सेकंड ईयर का प्रीमियम होगा उस पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। 3 साल की पॉलिसी लेते हैं तो सेकंड एंड थर्ड ईयर की प्रीमियम पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। इसमें कुछ फ्लोटर डिस्काउंट भी आपको मिल जाते हैं। अब आगे चलते हैं प्री मेडिकल स्क्रीनिंग। तो इसके अंदर जो भी मेडिकल टेस्ट होते हैं वो सारे मेडिकल टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, अगर आपको मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो, अदरवाइज आपको प्री मेडिकल कोई भी स्क्रीनिंग नहीं करानी पड़ती है। बात करते हैं सम एश्योर्ड। इसके अंदर आपको सम एश्योर्ड 2 करोड़ रुपए तक मिल जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग रूम रेंट के ऊपर। रूम रेंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो 5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक की अगर आपने सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले रखी है तो उसमें जो रूम रेंट की लिमिट है वो 1% दी गई है ऑफ सम एश्योर्ड। मतलब 20,000 रुपए की अपर लिमिट है। अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी ले रखी तो 5,000 रुपए का रूम आप ले सकते हैं। वहीं पे पॉलिसी का सम इंश्योर्ड अगर 75 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ है तो उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, आप कोई सा भी रूम ले सकते हैं। बात करें कंज्यूमेबल आइटम्स की, तो सारे कंज्यूमेबल आइटम्स की लिस्ट बनी हुई है, वो टोटल कवर्ड है। उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम पे, एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना पड़ता हॉस्पिटल के अंदर। उसकी प्रॉपर लिस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दूंगा जिसको आप देख सकते हैं। एमरजेंसी रोड एम्बुलेंस, अगर रोड एम्बुलेंस आप ले रहे हैं एमरजेंसी के केस में तो हॉस्पिटल जाने के लिए जो भी खर्चा आएगा, हॉस्पिटल से किसी हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर लेते हैं वहाँ पे। तीसरा, हॉस्पिटल से घर के लिए आप जो भी
एम्बुलेंस लेंगे उसका जो भी खर्चा होगा उसका आपको अप टू सम इंश्योर्ड खर्चे का पैसा मिल जाता है। प्री और पोस्ट 60 और 180 डेज है। प्री और पोस्ट आपने मेरी पुरानी वीडियो में समझा होगा, प्री मतलब आप जिस बीमारी की वजह से एडमिट हुए हैं उस बीमारी से रिलेटेड बिफोर एडमिट होने से 60 दिन पहले तक के जो भी खर्चे होंगे वो सारे खर्चे का आप क्लेम कर सकते हैं, और डिस्चार्ज होने के 180 डेज तक जो भी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करा हुआ है उसका सारा खर्चा आपको मिल जाता है। आप बात करें ऑर्गन डोनर का तो अप टू सम इंश्योर्ड वो भी कवर्ड है। डे केयर ट्रीटमेंट, ऑल डे केयर ट्रीटमेंट कवर्ड है अप टू सम इंश्योर्ड। डोमिसिलरी भी कवर्ड है आपकी, बट हाँ इसमें एक कंडीशन है कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो 3 दिन से ज्यादा चलना चाहिए। होम केयर ट्रीटमेंट भी कवर्ड है, उसमें कैपिंग दी गई है 10% की ऑफ सम इंश्योर्ड। एयर एम्बुलेंस भी 10% ऑफ सम इंश्योर्ड की कैपिंग है अप टू ऑन एवरेज सम इंश्योर्ड, मतलब अगर आपकी 50 लाख की पॉलिसी तो 5 लाख रुपए का आपको एयर एम्बुलेंस का खर्चा मिल जाएगा। स्टार वेलनेस प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर आप अपने रिन्यूअल प्रीमियम पे 20% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक स्पेशल फीचर है स्टार हेल्थ का। इसके बारे में एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा स्टार वेलनेस प्रोग्राम को किस तरह से यूज किया जाता है और किस तरह से इसके फायदे लिए जा सकते हैं। अब आगे चलते हैं हेल्थ चेकअप की तरफ। तो हेल्थ चेकअप चाहे आपका क्लेम आए और चाहे क्लेम ना आए, आपको हेल्थ चेकअप इसमें जरूर मिलता है। मतलब हर साल आपको इसमें चेकअप हेल्थ चेकअप मिलेगा। अगर आपने इंडिविजुअल पॉलिसी ले रखी है और 10 लाख रुपए की पॉलिसी ले रखी है तो आपको जो हेल्थ चेकअप मिलेगा वो 2000 रुपए का मिलेगा। वहीं पे अगर फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो 5000 मिलेगा। वो सम इंश्योर्ड वाइज इसको डिवाइड करा गया है, आप इसको देख सकते हैं, इसको स्क्रीन को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। कम्युनिटी बोनस मतलब जो जिसको हम नो क्लेम बोनस भी बोलते हैं, ये 25% ऑफ सम इंश्योर्ड, मतलब अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी ले रखी है तो तकरीबन 1.25 लाख रुपए आपको एवरी क्लेम फ्री मिलता है। बट वो एक इसमें बेनिफिट ये है कि वो आप वापस रिटर्न नहीं होता है। आपने इस साल पॉलिसी ली, इस साल आपका कोई भी क्लेम नहीं आया, नेक्स्ट ईयर आपको 1.25 लाख रुपए का नो क्लेम बोनस मिल गया। और अगर अगले साल आपका क्लेम आता है तो उस केस के अंदर उसके अगले साल जो आपको क्लेम फ्री आपका कोई क्लेम आया तो जो 1.25 लाख रुपये मिला है वो वापस डिडक्ट नहीं होगा, वो 1.25 लाख रुपये आपका मेंटेन रहता है। इस तरीके से 100% तक जाता है, 4 बार आपको मिलता है। आयुष ट्रीटमेंट आपको इसमें पूरा मिलता है जिसके अंदर आपको अप टू सम इंश्योर्ड है। ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट जो है वो भी आपको पूरा मिलता है। इसमें आपको जैसे 5 लाख रुपए की पॉलिसी में 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 75 लाख 50 लाख या 1 करोड़ 2 करोड़ की पॉलिसी लेते हो 4 लाख रुपए तक आपको कवरेज मिल जाता है। डिलीवरी एक्सपेंसेस, इसमें 2 साल का वेटिंग पीरियड है डिलीवरी एक्सपेंसेस का। 2 साल बाद आप अगर डिलीवरी एक्सपेंस का बेनिफिट लेते हैं तो उस केस के अंदर 10% ऑफ सम इंश्योर्ड, मतलब 10 लाख रुपए की पॉलिसी तो 1 लाख रुपए तक आपको कवरेज मिल जाता है इसके अंदर। यूटेरो फेटल सर्जरी जो है उसका भी 2 साल का वेटिंग पीरियड है, बट इसमें जो कवरेज है अप टू सम इंश्योर्ड है, मतलब जितने का आपका पॉलिसी है उतने का आपको कवरेज का अमाउंट मिल जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करते हैं जो न्यू बेबी ऐड होता है अगर फैमिली के अंदर तो उसका क्या, मतलब उसको कितनी कवरेज मिलती है। अगर पॉलिसी के दौरान न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको आप इंक्लूड कराते हैं उसके अंदर पॉलिसी के अंदर, तो 5 लाख रुपए की पॉलिसी के अंदर 2 लाख रुपए, 10 साल की पॉलिसी के अंदर 2 लाख रुपए, इस तरीके से 50 लाख रुपए की पॉलिसी के अंदर 4 लाख रुपए। आपको एक पूरी चार्टशीट दिख रही होगी। आगे चलते हैं, कोई भी क्रॉनिक सेवर जो अस्थमा वगैरह होता है उस केस के अंदर 10% ऑफ सम इंश्योर्ड, और मैक्सिमम जो लिमिट दी गई है वो 5 लाख रुपए से ऊपर नहीं जानी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार 10 लाख रुपए की पॉलिसी ले रखी, एक बार हुआ फिर दोबारा हुआ, तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए पर पॉलिसी पीरियड आपको मिलेगा। कंपनसेंट ट्रेवल क्या होता है कि एक पेशेंट फॉर एन एग्जाम्पल दिल्ली में आपने पॉलिसी ली थी, आप अभी घूमने गए हैं मुंबई में, मुंबई में आप इलाज करा रहे हैं, मुंबई में इलाज कराते वक्त आपको जरूरत पड़ती है आपको पेशेंट अपने फैमिली को बुलाना है, आप अपनी फैमिली को वहां से बुलाते हैं दिल्ली से मुंबई, तो बाय एयर जो भी वो जाते हैं तो उसका जो रिइंबर्समेंट होगा 10,000 रुपए तक कंपनी पे करती है। इस पॉलिसी के अंदर एक चीज और ऐड करी गई है कि जो दाह संस्कार का खर्चा होता है, मतलब किसी इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो गई है, उसकी डेथ होगी तो उसके बाद जो दाह संस्कार का खर्चा होता है वो भी अप टू 15,000 रुपए इन अ पॉलिसी ईयर आप उसका क्लेम ले सकते हैं। उसकी प्रॉपर पूरी रिसिप्ट वगैरह आपको सबमिट करानी होती है थ्रू रिइंबर्समेंट। तो ये एक स्पेशल फीचर इसके अंदर और डाला गया है। साथ में एक एडिशनल फीचर डाला गया है, जैसे कि आप जानते हैं कि स्टार हेल्थ का जो नेटवर्क हॉस्पिटल है, नेटवर्क हॉस्पिटल मोर देन 14,000 हॉस्पिटल्स नेटवर्क के अंदर इस समय, तो अगर सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर आप इलाज कराते हैं तो आपको लमसम में 1% ऑफ सम इंश्योर्ड, मतलब आपको 5,000 रुपए तक का बेनिफिट आपको एडिशनल मिल जाता है अपनी पॉलिसी के अंदर, अगर आप उन्हीं हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर जाके इलाज नहीं कराते हैं तो। अब बात करते हैं शेयर्ड अकोमोडेशन की। शेयर्ड अकोमोडेशन का मतलब ये हो गया कि आपको रूम अलॉट करा गया था, समझिए सिंगल आपको रूम मिलना था या 5,000 रुपए का रूम मिलना था, बट आपने रूम लिया 2,000 रुपए का या 3,000 रुपए का, तो उस केस के अंदर जब आप रिइंबर्समेंट कराते हैं तो आपका जो क्लेम पास होता है उसके बाद आप रिइंबर्समेंट ले सकते हैं 1,000 रुपीज पर डे का,
क्योंकि आपने क्या करा है, हॉस्टल कंपनी का पैसा बचाया है, 5,000 रुपए की जगह आप 3,000 के रूम मिलते हैं, तो उस केस के अंदर आपको 1,000 रुपए पर डे के हिसाब से वो भी रिइंबर्समेंट मिलता है। बात करते हैं सेकंड मेडिकल ओपिनियन। तो सेकंड मेडिकल ओपिनियन कंपनी के बहुत अच्छे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनके थ्रू आप ले सकते हैं। आप उसके लिए आप ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं e_medicalopinion@starhealth.in पे, या पोस्ट अपने एजेंट के थ्रू या कंपनी की जो ब्रांच है वहां पे आप कोरियर या पोस्ट के थ्रू भी आप अपना रिपोर्ट भेज सकते हैं और सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन की। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का मतलब इसमें यह है कि आपने एक 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली, अब आप उसको 10 लाख रुपए की पॉलिसी को चाहे आप 10 लाख रुपए समझिए, चाहे आप उसको 1 करोड़ रुपए समझिए। मैं इसको 1 करोड़ इसलिए बोल रहा हूँ कि 10 लाख रुपए पॉलिसी है, आपका खर्चा आया, एक बार क्लेम एडमिट हुआ, आपकी फैमिली में 2 एडल्ट 2 चाइल्ड है, आपके घर में कोई एडमिट हुआ, 3 लाख रुपए बिल आया, आपके अकाउंट में बैलेंस से बचे हैं 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए का आप इलाज करा सकते हैं। बट होगा क्या, स्टार हेल्थ इसको ऑटोमेटिक ट्रिगर कर देगा, फिर से इसको 10 लाख रुपए कर देगा, मतलब आपका बेसिक जो सम एश्योर्ड है वो फिक्स आपका 10 लाख रुपए रहेगा जब तक वो कंप्लीट खत्म नहीं होता, मतलब आपने पूरा कंप्लीट ईयर जब तक खत्म नहीं होगा 10 लाख रुपए खत्म नहीं होंगे। आपने एक बार 5 लाख लिया, फिर से आपको 7 लाख रुपए खर्चा आ रहा, फिर 7 लाख रुपए लीजिए, ये अनलिमिटेड टाइम तक ये इसको चलता रहेगा इन अ ईयर, चाहे वो 1 करोड़ हो चाहे 2 करोड़, उसके लिए कोई लिमिट नहीं बनाई गई है। ये सबसे स्पेशल फीचर है, मतलब ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन अभी तक स्टार हेल्थ ने 100% दिया, फिर 300% दिया अपनी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में, बट इस प्लान के अंदर इसको उन्होंने कर दिया 100%। इसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि 100% यूज होना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 10 लाख की पॉलिसी 10 लाख जब तक यूज नहीं होगा, जब तक आप उसको रिस्टोर नहीं करेगा, 3 लाख का यूज हो तब भी वो रिस्टोर हो जाएगा। मॉडर्न ट्रीटमेंट में आता है, मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड, पेन मैनेजमेंट 20% मैक्सिमम अप टू 20% ऑफ सम एश्योर्ड कवर्ड है इन अ पॉलिसी ईयर। इसके अंदर एक और फीचर दिया गया है ऑप्शनल कवर का, कि आप चाहते हैं कि आपके इतना बजट नहीं है, आप इतना ज्यादा प्रीमियम नहीं देते, अगर आपको प्रीमियम ज्यादा लग रहा है, आपके पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, या अपने पेरेंट्स के लेना चाहते हैं, आप क्या करते हैं, आप पॉलिसी लेते हैं 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए के एग्जाम्पल के लिए, तो अप टू 20 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं, तो इसमें एक एग्रीगेट डिडक्टेबल अमाउंट है। क्या बोलते हैं, मैंने 20 लाख रुपए की अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी ले ली, हेल्थ इंश्योरेंस ले ली, अब उसमें मैंने 50,000 रुपए का डिडक्टेबल डाल दिया, तो फॉर एन एग्जाम्पल की तरह हम समझते हैं कि माता पिता की जो प्रीमियम था, मदर फादर का जो प्रीमियम आना था, वो आना 30,000 रुपए, 30,000 रुपए आना था, तो 30,000 रुपए में आपको 45% का सीधे सीधे डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी डिडक्टेबल काम कैसे करेगा, आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली, 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली और 50,000 रुपए का डिडक्टेबल लिया, आपका जैसे ही फर्स्ट क्लेम आएगा, फर्स्ट क्लेम आया फॉर एन एग्जाम्पल 2 लाख रुपए, तो उसमें कंपनी क्या करेगी, 50,000 रुपए काट के 1.5 लाख रुपए पास करेगी और 50,000 रुपए आपने डिडक्टेबल डाल रखा है तो 50,000 पास नहीं करेगी। उसके बाद आप 50,000 रुपए अपनी जीएमसी पे करेंगे, उसकी वजह से आपको डिस्काउंट मिल गया 45%, बाकी जब रेस्ट उस साल के अंदर जो दूसरे जो भी खर्चे आएंगे, दूसरे जो भी क्लेम आएंगे, उसका आपको क्लेम पूरा 100% मिलेगा। तो जो डिडक्टेबल अमाउंट है वो डिडक्टेबल अमाउंट सिर्फ फर्स्ट उसके लिए कि जब तक आपका 50,000 रुपए जो है वो कवर नहीं होता, मतलब 1 लाख रुपए लेते हैं तो 1 लाख रुपए कवर नहीं होता, उसी तरीके से 1 लाख रुपए का डिडक्टेबल लेते हैं तो 55% डिस्काउंट हो जाता है आपका। वहीं पे अगर पॉलिसी 20 लाख एंड अबव की है तो जो डिडक्टेबल अमाउंट 50,000 रुपए 35% डिस्काउंट है और 1 लाख रुपए पे 50% डिस्काउंट है। इसका बहुत अच्छा फीचर है, अगर आप पेरेंट्स के लिए ले रहे हैं और आपको पास बजट नहीं है तो आप इसको ले सकते हैं। अब आते हैं वेटिंग पीरियड के ऊपर, जो सबसे मेन पार्ट होता है किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का। इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज है किसी भी इलनेस के लिए, अगर आप फ्रेश पॉलिसी ले रहे हैं। स्पेसिफिक डिजीज की एक लिस्ट होती है, लिस्ट है बकायदा, उसका जो वेटिंग पीरियड है 2 साल है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, अगर आप 3 साल की पॉलिसी ले रहे हैं तो 2.5 साल का वेटिंग पीरियड है, मतलब 30 महीने का। वहीं पर अगर आप 1 साल या 2 साल की पॉलिसी ले रहे हैं तो 36 महीने, मतलब 3 साल का वेटिंग पीरियड है इसके अंदर। डिलीवरी एक्सपेंसेस का जो कवर्ड है, जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया, 24 महीने का है 2 साल का। यूटेरो फेटल सर्जरी का जो 24 महीने वही 2 साल है। ART का भी 2 साल का कवरेज है और न्यू बॉर्न बेबी का जो वेटिंग पीरियड है वो 1 साल है। तो ये कुछ वेटिंग पीरियड है, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए कई बार पॉलिसी तो ले लेते हैं आप, एजेंट ने आपको समझाया, बट आपको अगर ये नहीं बताया उसने बेचते समय, ये समझाते समय, तो आप जब क्लेम के लिए जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्रीमियम की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया था Zone A, Zone 2, Zone 3, ये एक प्रीमियम चार्ट है, इसको भी मैं लिंक में डाल दूंगा जिससे आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन के लिए देखिए, जोन ए फॉर एन एग्जांपल दिल्ली का पर्सन है, मैं इधर जोन खोल देता हूँ, जोन पे आ जाते हैं, जोन ए मैं दिल्ली का हूँ,
दिल्ली में मैं अगर इंडिविजुअल की एक पॉलिसी ले रहा हूँ, वन एडल्ट पे आता हूँ मैं, जोन ए एक साल की पॉलिसी ले रहा हूँ, 5 लाख की पॉलिसी लेता हूँ, मेरी उम्र है 18 to 35 की एज में, तो मेरे को प्रीमियम पे करना है 5 लाख रुपए की पॉलिसी के लिए 8,566 रुपए, ठीक है। अब बात करते हैं हम जोन बी की। अब हम आते हैं जोन बी में। जोन बी में जब नीचे आते हैं, जोन बी में देखिए वन एडल्ट ये रहा आपका 36, मेरा 18 to 35, यहाँ पे प्रीमियम देना कितना पड़ रहा है 7,676 रुपए। यहाँ कितना देना पड़ रहा था आपको, यहाँ देना पड़ रहा था 8,566 रुपए, तकरीबन 900 रुपए का फर्क आ गया है जोन ए और जोन बी में। जोन बी में कौन कौन सी सिटी है, पुणे, नासिक, त्रिवेंद्रम, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, सिकंदराबाद और गुजरात का कुछ हिस्सा है, वडोदरा, सूरत, अहमदाबाद को छोड़कर। इसी तरीके से मैं जोन सी में जाता हूँ, देखो 900 रुपए फर्क आ गया जोन ए से जोन बी में जाने में। अब आते हैं जोन सी पे। जोन सी में आते हैं तो हम जोन सी में हमारा जो आ जाएगा अमाउंट 6,902, 5 लाख की पॉलिसी 18 से 35 में 6,902, 8,600 रुपए से 6,902 तकरीबन जो फर्क आ रहा है आपका 1,600 रुपए का फर्क आ गया। अब इन दोनों जो भी सिटीज यहाँ पे लिखी है उन सिटीज को छोड़कर जो एरिया बसता है वो रेस्ट ऑफ इंडिया में आ जाता है। अगर मैं बात करूँ यूपी की, यूपी में आपका लखनऊ हो गया, बनारस हो गया, ये सारा रेस्ट ऑफ इंडिया में काउंट होता है। आपका उत्तराखंड हो गया, रेस्ट ऑफ इंडिया में काउंट होता है। हरिद्वार है, रेस्ट ऑफ इंडिया में काउंट होता है। इस तरह की कई सारी सिटीज आप देखने, आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप कौन सिटी में है, रेस्ट ऑफ कौन से कैटेगरी में, उसके हिसाब से अपना प्रीमियम चेक कर सकते हैं। अगर आपको देखना है टू एडल्ट का, तो टू एडल्ट के लिए आप यहाँ जाएंगे जोन सी में, टू एडल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। 5 लाख का सम इंश्योर्ड का देखना है तो अपनी एज यहाँ देखिएगा और यहाँ पे देख लीजिएगा, इस हिसाब से आप देख सकते हैं। ये पूरा दोनों जो ब्रोशर है, दोनों जो पीडीएफ है, मैं इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको आगे भी एनालाइज कर सकते हैं और अपने कस्टमर को भी भेज सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स स्टार हेल्थ के एश्योर प्लान की। तो अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो या आप अपने लिए लेना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अगर आपको कोई फीडबैक हो या किसी और प्लान की डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर जरूर कमेंट करें। आपके कमेंट्स हम पढ़ते हैं और उस पर रिप्लाई जरूर करते हैं। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।